क्लाइंट को कॉल किया, मान लो आपने क्लाइंट को कॉल किया और क्लाइंट ने बोला ही माइट बी बिजी समवेयर, सो क्लाइंट ने कॉल को पिक नहीं किया। तो बहुत बार हम लोग ये करते हैं कि यू नो द क्लाइंट इज नॉट इंटरेस्टेड इन द प्रोडक्ट, हम लोग बहुत बार ये कर लेते हैं दैट द क्लाइंट इज नॉट इंटरेस्टेड इन द प्रोडक्ट। उससे क्या होता है, उससे हम आगे एफर्ट नहीं मारते। एफर्ट इसलिए नहीं मारते क्योंकि हमने एक डिस्टॉर्शन कर लिया, हमने एक इंफॉर्मेशन को डिस्टॉर्ट कर लिया, हमने अपने अकॉर्डिंग उसको ले लिया कि जब जब पिक नहीं करता कॉल क्लाइंट, दैट मीन्स या तो वो सर्विस में इंटरेस्टेड नहीं है और कुछ और रीजन है, बट रियल रीजन कुछ भी हो सकता है, दैट वी नीड टू फिगर आउट। Are you getting the point? Right. Second example ये हो सकता है same scenario में, मान लो आपने okay मान लो you are into education और एक course है that you offer. Now the client says कि you know मुझे एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है क्लाइंट की एंड ही इज वेरी एडमेंट अबाउट दैट रिक्वायरमेंट कि मुझे यही चाहिए। इससे क्या होता है, बहुत बार हम लोग ये अज्यूम कर लेते हैं, बहुत बार हम ये परसीव कर लेते हैं कि क्लाइंट अब ये सर्विस लेगा ही नहीं और हम अपना एफर्ट नहीं मारते उसको उस प्रोडक्ट के या उस सर्विस के बेनिफिट्स दिखाने में या फिर ये समझाने में दैट हाउ इट कैन बी बेनिफिशियल फॉर यू। आर यू गेटिंग द पॉइंट? किसी को कोई क्वेश्चन यहां तक, डिस्टॉर्शन तक, डिलीशन डिस्टॉर्शन दोनों में कोई क्वेश्चन किसी को? राइट, पूजा से सर सम लीड्स आर नॉट रेडी टू हेयर ओनली, आई टोटली अंडरस्टैंड दैट यू नो दे डोंट वांट टू हेयर, बट उस केस में हमें क्या करना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए कि वो क्यों नहीं सुनना चाह रहे। बिकॉज अगर हम सिर्फ ये सोच लेंगे नहीं नहीं वो कॉल पिक नहीं कर रहे, वो सुनना ही नहीं चाह रहे, वो कन्वर्ट कैसे होंगे, तो हम वैसे भी कुछ नहीं कर पाएंगे उसका। रादर यू शुड आस्क द क्लाइंट के व्हाट इज द मैटर, राइट? बट हम क्योंकि अगेन जैसे मैंने बोला, हम क्लाइंट के शू में जाके देख ही नहीं पाते, इसको हम आगे कवर अप करेंगे, हाउ टू टॉक टू अ क्लाइंट एंड हाउ टू एक्सट्रैक्ट ऑल दीज इंफॉर्मेशन। What is this? So my question to you is, what is this? ये जो slide में आपको दिख रहा है, what is this? Chair, okay. So my question goes again, is it a chair or a picture of a chair? हम लोग क्या करते हैं ना, again it's a perfect example of generalization. हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चीजों को अपने according देखते हैं, जैसा हमें हमेशा से condition किया गया है, जैसा हमें हमेशा से कंडीशन किया गया है, हम वैसे पिक्चर्स वैसे हम चीजों को देखते हैं एंड वी जनरलाइज। अब अगर एक क्लाइंट ने आपका फोन नहीं उठाया ना, तो हम जनरलाइज करने लग जाएंगे कि आज कोई मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा, या ये सारे क्लाइंट ऐसे होते हैं, लीड तो भर देते हैं बट रिस्पॉन्ड नहीं करते, या फिर अगर एक सिमिलर पैटर्न पे कोई क्लाइंट यू नो बिहेव करता है, अगर एक सिमिलर क्वेश्चन पूछता है, तो हम जनरलाइज करने लग जाते हैं कि ये भी उसी तरह से पूछे जा रहा है, इसके भी वही सारी क्वेरीज हैं, अब देखना ये इस प्रोडक्ट के लिए ऐसे करेगा। सो ये सब क्या है, ये सब जनरलाइजेशन है, जब हम एक एक्सपीरियंस के बेस पे हम सब चीजों को उसी तरह से देखने लगते हैं, और ये हम बहुत 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 बार करते हैं। नेक्स्ट इज द डायमेंशन ऑफ कम्युनिकेशन। अब देखो क्या होता है, अभी हम जब से बात करें कम्युनिकेशन कैसे करनी चाहिए, क्या होता है, थोड़ा सा डेप्थ में समझते हैं व्हाट एग्जैक्टली कम्युनिकेशन इज। नाउ व्हेन इट कम्स टू कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में दो पार्ट्स होते हैं, एक होते हैं वर्ड्स यानी हमारी वर्बल लैंग्वेज, एक होती है बाकी सब चीजें यानी नॉन वर्बल लैंग्वेज। अब हमारा फोकस होता है बहुत बार वो होता है वर्बल कम्युनिकेशन पे, लैंग्वेज पे, लैंग्वेज में भी वर्बल लैंग्वेज पे, कि हमें इस तरह से बात करनी है क्लाइंट से, ये चीजें बोलनी है। कई बार हमारे पास एक स्क्रिप्ट रेडी होती है कि हम ऐसे बात करेंगे क्लाइंट से,
बट इन सब चीजों में हम जो 93% ऑफ द यू नो एलिमेंट है विच इज द नॉन वर्बल लैंग्वेज उसको भूल जाते हैं. यानी अब आप क्लाइंट से वर्ड्स तो अच्छे से यूज कर रहे हो बट आपकी टोनालिटी, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी यू नो जो वॉइस में वो जो कॉन्फिडेंस होता है वो सब मिस हो जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम. क्योंकि हमें हमेशा से सिखाया गया कि कम्युनिकेशन का मतलब है ग्रामर, कम्युनिकेशन का मतलब है आपके वर्ड्स, यू नो एवरीथिंग दैट इज वर्बल. किस तरह के आप वर्ड्स यूज कर रहे हो, किस तरह की वोकैबुलरी यूज कर रहे हो. और अब आपको लगता है कि 93% चीज को साइड करके आप 7% के बेसिस पे किसी भी कम्युनिकेशन को अपने फेवर में कर सकते हैं. द आंसर इज नो. किसी भी कम्युनिकेशन में अगर आपने बॉडी लैंग्वेज, यू नो टोन, राइट, सो क्या होता है कि जो 93% मेजर पोर्शन को मिस कर रहे होते हैं उसके वजह से हमारी जो कम्युनिकेशन है इट गोज फॉर अ टॉस. और हम बहुत बार ये सोच के रह जाते हैं कि क्लाइंट ने ही मेरी बात नहीं समझी. आप ये नहीं देखते कि आप समझा नहीं पाए अपनी बात. तो हमारा जो फोकस है वो ये हमारा रहना चाहिए कि ठीक है वर्ड्स आर इम्पोर्टेंट, दिस 7% इज इम्पोर्टेंट, बट ये जो 93% है उसका भी हमें कुछ करना पड़ेगा. इस 93% में भी हमें जो बॉडी सिग्नल्स हैं या जो वॉइस है, जो टोनालिटी है, वो सब चीजों पे वर्क करना पड़ेगा. एंड दैट इज हाउ यू विल बी अ यू नो परफेक्ट कम्युनिकेटर एंड यू विल बी एबल टू कन्वे द मैसेज दैट यू वॉन्ट टू. वरना क्या होगा, आप अपने प्रोडक्ट के बारे में भी कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पाओगे. आपने बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स तो बोल दिए पर आपके आवाज में से कॉन्फिडेंस मिसिंग था, तो क्या क्लाइंट उसको बाय करेगा, सोचेगा भी नहीं, राइट? क्योंकि अगर आप ही कन्विंस नहीं हो अपने प्रोडक्ट को लेके तो क्लाइंट कैसे हो सकता है. जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज देयर इन 93%. सो 93% में क्या होता है, अगेन इसमें दो चीजों में डिवाइड होता है. वन इज 30% ऑफ द वॉइस एंड 55% ऑफ फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, यानी आपकी बॉडी लैंग्वेज. अब जब हम बात करते हैं वॉइस की, तो उसमें टोनालिटी आती है, यानी आप किस टोन में बात कर रहे हो. एज आई सेड, अगर आप कॉन्फिडेंट वर्ड्स यूज कर रहे हो बट क्या आपकी टोन कॉन्फिडेंट है. अगर आपकी टोन कॉन्फिडेंट नहीं है तो आपके वर्ड्स कितने ही पावरफुल हो सामने वाला आपसे इन्फ्लुएंस नहीं हो. एंड देन एंड ऑफ द कॉन्वर्सेशन यू विल फील के मेरे प्रोडक्ट में क्या दिक्कत है या उसको चाहिए ही नहीं था, उसने मेरा टाइम वेस्ट किया. बट वी डोंट रियलाइज कि हमारे साइड पे क्या शॉर्टफॉल रह गई है. देन एज आई सेड 55% इज द फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, मतलब जो हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है, जो हमारे जेस्टर्स होते हैं, पोस्चर्स होते हैं, ब्रीदिंग पैटर्न होता है. अब ये वाला जो पोर्शन है ना, इस टाइम पे व्हेन थिंग्स आर ऑनलाइन उतना रेलिवेंट, ये वाला जो पोर्शन है इस टाइम पे उतना रेलिवेंट नहीं है. बट क्या होता है, मोस्ट सिनेरियोज में आपकी बॉडी लैंग्वेज मैटर करती है, मोस्ट सिनेरियोज में, राइट? सो दिस वाज अबाउट द डायमेंशंस ऑफ कम्युनिकेशन, कि हम लोग किस तरह से यू नो कम्युनिकेशन के किस एलिमेंट को यूज करते होते हैं. नाउ देयर आर सम पावरफुल सेलिंग टेक्निक्स, और ये इतनी पावरफुल है कि आप इसको कहीं पे भी किसी भी टाइम अप्लाई कर सकते हो. वन ऑफ विच इज बिल्डिंग रैपो. बिल्डिंग रैपो बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट है. जैसे कि आप जो बात कर रहे हो कि कस्टमर सुनना नहीं चाहता, कस्टमर यू नो समझता नहीं है या फिर कॉल पिक नहीं करता है, उसका एक बहुत सिंपल रीजन होता है. इसका बहुत यू नो वैलिड रीजन ये हो सकता है कि आपकी कस्टमर के साथ उतनी अच्छी रैपो है नहीं. अब आप पूछ सकते हो कि मैं तो कॉल ही फर्स्ट टाइम किया है तो रैपो कहाँ से बनेगी. तो इस केस में हो सकता है आपके ब्रांड से कस्टमर की उतनी रैपो अच्छी नहीं है, यानी उसका कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हो चुके होंगे जिससे वो खुश नहीं है उस ब्रांड को लेके. इट्स नॉट योर फॉल्ट, इट्स नॉट दैट यू नो उस कस्टमर को आपसे कोई पर्सनल ग्लिचेस हैं. इट्स जस्ट दैट उस सिनेरियो में वो अपने पास एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे आपकी कॉल को रिस्पॉन्ड कर रहा है, डिनाय कर रहा है या फिर पिक कर रहा है. तो आपको क्या करना है, आपको रैपो बिल्ड करने के लिए
आपको रैपो बिल्ड करने के लिए कस्टमर से पहले इंटरेक्ट करना स्टार्ट करना है, क्लियर। अब इसमें हम थोड़ा डिटेल में जाते हैं हाउ इट कैन बी डन। सी एज आई सेड, रैपो में क्या होता है कि आप पहले कस्टमर को समझते हो, इंस्टेड ऑफ पिचिंग योर प्रोडक्ट, इंस्टेड ऑफ पिचिंग योर सर्विसेज, आप पहले कस्टमर को समझते हो कि भाई दिस इज वेयर आई कम फ्रॉम, आप मुझे बताओ आपके क्या चैलेंजेस हैं, इफ आई कैन हेल्प यू इन सम और द अदर वे, और फिर आप अपनी चीज को पिच करते हो। हो सकता है आप जो चीज पिच कर रहे हो वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो आपकी वो कॉल वेस्ट है। एंड एंड ऑफ द कॉल आपको ये लगेगा कि कस्टमर जो है अच्छे से फीडबैक नहीं दे रहा, कस्टमर जो है इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा, बट वो इंटरेस्ट कैसे शो करे जब उसकी वो रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो आपको सबसे पहले इनिशियली जब आप कॉल कर रहे हो या फिर आप मिल रहे हो, तो आपको इन द वेरी मोमेंट आपको उस टाइम पे ये देखना है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है। इज दिस क्लियर? यस क्लियर। राइट, इससे क्या होगा जब आप रैपो बिल्ड करोगे तो आप कस्टमर के बाइंग पैटर्न को समझ पाओगे, वो कब कैसे किस प्रोडक्ट को बाय करता है, किस प्रोडक्ट को नहीं बाय करता है, why they object to you know some calls, why they actually pick some calls, क्योंकि हर कस्टमर हर कॉल को डिफरेंटली रिस्पॉन्ड कर रहा होता है। आपको ये देखना है कि उस टाइम पे उसका जो पैटर्न है, उसका जो बाइंग पैटर्न है, कि ऐसा क्या हो रहा होता है। Now, answering to these questions, जो आप लोगों ने करें, let me just go through the questions and accordingly हम उसका आंसर करते हैं। So, someone says, how can we handle objections of customers, right? आपको figure out करना पड़ेगा कि वो objection किस चीज से related है। At times हो सकता है उसका budget constraint हो, जिस वजह से वो no बोल रहा हो। If that is so, आपको find out करना है कि what other options you can give। हो सकता है वो objection आपके पुराने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे हो, आपके ब्रांड के साथ जो पुराना एक्सपीरियंस रहा हो, तो हमें पहले ये देखना है वो ऑब्जेक्शन किस पर्टिकुलर रीजन की वजह से है, देन ओनली यू वुड बी एबल टू हैंडल दोस। सेकंड क्वेश्चन जो आया है, हाउ टू गेट देम टू टॉक इन केस ऑफ टेलीकॉलिंग वेयर पेरेंट डजंट रिस्पॉन्ड टू कॉल मैसेजेस। यू सिंपली, अभी हम क्या करते हैं ना, हम लोग कॉल करते हैं, कॉल करते ही हम अपने बारे में बताने लग जाते हैं कि दिस इज where I come from, this is what I have to offer you. Message पे भी यही करते हैं, हम hi डालते हैं और सीधा लिख देते हैं कि आपकी lead मिली या फिर whatever way you get in touch with the customer, और अपने product की description दे दें। हम ये भूल जाते हैं कि अगर एक बार बताओ आपके पास अगर कोई ऐसे call आता है and the person starts to describe about the product, services और अपने बारे में कि आई एम कॉलिंग फ्रॉम सो एंड सो कंपनी, सो वुड यू लाइक टू हियर दैट? एक बार के लिए आप उठा लोगे और फिर आपके दिमाग में ये चल रहा होगा मैं इस कॉल को कैसे फिनिश करूं, और या फिर आप सिंपली काट दोगे देखते ही कि अच्छा इट इज फ्रॉम सम टेलीमार्केटिंग और फ्रॉम सम सोर्स विच इज नॉट रिक्वायर्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो आपको सबसे पहले कस्टमर से बात करनी है अपने प्रोडक्ट और अपने बारे के अलावा, आउट ऑफ योर प्रोफेशनल थिंग। आपको उनसे पूछना है कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उनके अभी इस टाइम के चैलेंजेस क्या हैं। Then another question that we have is, if customer is continuously ignoring our call or messages, what can be done? Again, you need to figure out कि वो क्यों इग्नोर कर रहा है मैसेजेस, क्यों कॉल कर रहा है, क्यों कॉल पिक नहीं कर रहा है, and you need to ask them questions in different ways so that they answer. हम क्या होता है कई बार हम अगर कोई कॉल पिक नहीं कर रहा तो हम सिंपली उनसे ये पूछ लेते हैं कि दिस इज रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट एक्स वाई जी प्रोडक्ट, और मेरे को इस बारे में आपसे बात करनी है। हम बार बार उसको यही सेम मैसेज करते रहते हैं, ऑब्वियसली द पर्सन विल गेट इरिटेटेड और वो चीज़ वहाँ पे दिक्कत करती है, एंड हमें लगता है कि द कस्टमर इज नॉट लिसनिंग टू अस। We'll pick more questions. आपके और भी कुछ questions यहाँ पे हैं, जैसे जैसे we'll go through the slides, जैसे जैसे we'll go through the sessions.